Good morning, students. मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ बताया। आज बता रहे हैं बल का आवेग क्या होता है। बल का आवेग बल का आवेग क्या होता है बेटा? यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्य करता है तो बल और समय का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। एक्चुअली होता क्या है कि बल का आवेग आरोपित बल के लगभग बराबर होता है, क्योंकि समय बहुत कम होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि बल का आवेग आरोपित बल के लगभग बराबर होता है। जब कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्य करता है तो बल और समय का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। इसको आई से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। क्या होता है बेटा? न्यूटन सेकंड। जैसे बैट से आप बाल को मारते हैं तो बहुत कम समय के लिए बल लगाते हैं, ठीक है। किसी के तमाचा मारते हैं तो हाथ में चपक के नहीं रहता, तुरंत कट जाता है, यानी बल बहुत कम समय दिया लगा। मल के रास्ते में जा रहे हैं, गलती से आपका पैर किसी भी कुत्ते को पड़ जाता है तो आप क्या करोगे? दूसरा पैर भी रख दोगे? नहीं, तुरंत उसको हटाओ। बात समझे? तो कोई भी बल अगर बहुत कम समय तक कार्य करता है तो बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? बल का आवेग कहलाता है। ये सदिश राशि होती है, इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। अगर इसका हम द्विमीय सूत्र निकालें बेटा तो क्या होगा? द्विमीय सूत्र क्या होगा? आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी होगा। एफ के लिए एम इंटू ए डेल्टा टी, एम त्वरण के लिए रखेंगे टी की पावर माइनस टू इंटू टी, ये होगा एम एल टी की पावर माइनस टू प्लस वन। तो यह आएगा एम एल टी की पावर माइनस वन आएगा। ये इसका द्विमीय सूत्र है। अब देखिए बेटा, आपको प्रूव करना है बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि आई बराबर डेल्टा पी। आई बराबर डेल्टा पी, ये आपको प्रूव करना है कि बल का आवेग जो होता है संवेग परिवर्तन के क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिएगा, मान लीजिए कोई बल किसी वस्तु पर, माना एफ बल किसी वस्तु पर डेल्टा टी समय तक आरोपित किया जाता है तो बल और समय का गुणनफल जो होता है वो बल का आवेग कहलाता है। तो बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है बेटा? बल का आवेग कहलाता है। आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी होगा बेटा। एफ बराबर आपको मालूम है एम इंटू ए होता है। यहाँ लिख लेंगे, F बराबर क्या होता है बेटा? एम ए होता है। A बराबर डेल्टा B अपॉन डेल्टा T होता है, इंटू डेल्टा T हो गया। तो यहाँ से A बराबर लिखेंगे डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। I इक्वल्स टू एम इंटू, ये किससे कैंसिल, डेल्टा B आ गया। I इक्वल्स टू लिखेंगे इसको B माइनस U, क्योंकि डेल्टा बी बराबर होगा माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये होगा एम इंटू बी माइनस एम इंटू यू। आई बराबर आएगा पी टू माइनस पी वन। आई बराबर हो गया डेल्टा पी। तो ये आ गया बेटा बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ध्यान सुनिएगा, देखिए बल का आवेग क्या होता है, आपको प्रूव करना है। बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। मान लीजिए किसी वस्तु पर एफ बल डेल्टा टी समय तक आरोपित किया जाता है तो बल और समय का गुणनफल ही बल का आवेग होगा। आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, एफ की वैल्यू एम ए रखेंगे, डेल्टा टी रखेंगे, एफ बराबर एम ए होता है, आई बराबर एम इंटू डेल्टा बी अपन डेल्टा टी, जैसे कैंसिल आउट हो गया। आई बराबर एफ इंटू डेल्टा बी,
तो यहाँ से डेल्टा बी को बी माइनस यू लिखेंगे, तो आई बराबर कितना होगा, ये आपके पास आएगा एम बी माइनस एम यू, ये पी टू माइनस पी वन, यानी आई बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा पी हो जाएगा। कितनी बार समझ में आ गई बेटा? तो ये था आपका बल का आवेग संवेग परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? आप देखिए बेटा, न्यूटन के प्रति नियम का सत्यापन, न्यूटन के गति विषय प्रति नियम का सत्यापन। बेटा न्यूटन का प्रति नियम क्या होता है, उसने बताते हैं जब किसी वस्तु पर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है तो पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु उतना ही बल आरोपित करती है लेकिन विपरीत दिशा, परिमाण बराबर होगा लेकिन दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी। यानी कि इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। यानी प्रूव करना है आपको एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास दो वस्तु ए और बी, वस्तु ए वस्तु बी पर बल आरोपित करती है एफ ए बी, तो वस्तु बी पर एफ पर बल आरोपित करती है एफ बी ए। ये इसके ऊपर बल आरोपित करती है तो इसके संवेग परिवर्तन की दर हो जाती है डी पी टू अपॉन डी टी, और इसके संवेग परिवर्तन की दर हो जाती है डी पी वन अपॉन डी टू। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार क्या होगा, एफ ए बी इक्वल्स टू होगा डी पी टू अपॉन डी टी। यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल जो होता है संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है एफ बी ए इक्वल्स टू होगा डी पी वन अपॉन डी टी। अब समीकरण नंबर एक और दो को आप जोड़ देंगे, एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल्स टू डी पी वन अपॉन डी टी प्लस डी पी टू अपॉन डी टी, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी इंटू पी वन प्लस क्या होगा पी टू। तो यहां से होगा बेटा एफ ए बी प्लस एफ बी ए। बेटा पी वन प्लस पी टू क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो यह आएगा एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ये आ गया न्यूटन का गति विषय प्रति नियम। वैज्ञानिक न्यूटन के गति विषय प्रति नियमानुसार जब कोई वस्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु उतना ही बल आरोपित करती है लेकिन विपरीत दिशा में। उनकी दिशाएं कैसी होती हैं, विपरीत होती है, लेकिन परिमाण कैसा होगा, बराबर होगा। तो देखिएगा न्यूटन के गति विषय प्रति नियम का सत्यापन करना है। मान लीजिए आपके पास दो वस्तु ए और बी है, वस्तु ए वस्तु बी पर एफ ए बी बल आरोपित करती है तो इसके संवेग परिवर्तन की दर डी पी टू अपॉन डी टी होती है। ये इस पर एफ बी ए बल आरोपित करता है पर संवेग परिवर्तन में डी पी वन अपॉन डी टी होती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के अनुपातानुपाती या बराबर होता है। तो दोनों इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण एक और दो को जोड़ देंगे। ये कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल्स टू जीरो, यानी एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। यही न्यूटन का गति विषय प्रति नियम है बेटा। थैंक यू।